हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ अमित झाला फ्रॉम मासापुरा स्कूल। टुडे इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू सब्जेक्ट एसपीसीसी ऑफ स्टैंडर्ड 11, चैप्टर नंबर 4, अ लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो सैल्यूटेशन के बारे में। सैल्यूटेशन यानी कि रिस्पेक्ट, वन टाइप ऑफ ग्रीटिंग्स के थ्रू आप जो है लेटर की शुरुआत कर सकते हो। After the inside address, besides the left margin, the leaving one line, the word of respect showing the read line for the communication written for the receiver of the letter are the called a salutation. Inside address के पास left side पर एक line छोड़ करके ये respect word जो है वो use होता है। किसी भी person के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत बिगनिंग जो है वो रिस्पेक्ट के साथ ही होती है, तो उसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन। एज पर द जनरल ट्रेडिशन वी ग्रीट वन अनदर इज अ बिगनिंग ऑफ एनी इंट्रैक्शन। लाइक जैसे कि हम ग्रीटिंग्स में जो है वेलकम कर सकते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे कर सकते हैं हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, इस तरीके से ग्रीटिंग्स देते हैं शुरुआत में। इनफैक्ट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर नाउ बिगन, therefore it would be appropriate to greet the receiver of the letter। इसमें ये दिया है कि important part of letter now begins, salutation देने के बाद धीरे-धीरे important part जो है वो शुरू होता है और आवकार respect जो है उसमें दी जाती है। The salutation can be like, इस तरीके से salutation दे सकते हो, dear sir, dear madam, dear Mr. Suri, my dear Mr. Thakkar, इस तरीके से आप salutation लगा सकते। आगे दिया है, इट शुड बी अ रिमेंबर एट द स्टेज दैट इफ अ नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन एज अ पार्ट ऑफ इनसाइड एड्रेस द सैल्यूटेशन आफ्टर डियर दैट द नेम शुड बी मेंशन। अगर इनसाइड एड्रेस में नेम मेंशन किया हो तो सैल्यूटेशन के पहले डियर लिख करके उसके बाद उसका नेम हम लिखते हैं। इफ सम नेम इज नॉट मेंशन बट डेजिग्नेशन इज मेंशन, अगर उसका नेम नहीं मेंशन किया और डेजिग्नेशन मेंशन किए तो आप जो है सर या तो फिर मैडम जो है वो लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द लेटर इज एड्रेस टू सम ग्रुप, अगर किसी ग्रुप को लिखा जाता है तो लिख सकते हो सैल्यूटेशन इज जेंटलमैन टू द जेंटलमैन। एज पर द ब्रिटिश मेथड द पंक्चुएशन मार्क कोमा इज प्लेस्ड आफ्टर द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद अब ब्रिटिश मेथड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोमा भी जो है वो लगाया जाता है। फिर एज पर द अमेरिकन मेथड पंक्चुएशनल मार्क कोलन इज प्लेस्ड, अमेरिकन मेथड से अगर काम करें तो पंक्चुएशनल मार्क कोलन जो है वो यूज्ड होता है। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट सैल्यूटेशन इज दैट इट इज रिलेवेंट अप्रॉक्सिमिटी और नियरेस्ट इन द रिलेशन बिटवीन द लेटर रिटन एंड इट्स रिसीवर। बिजनेस लेटर में लेटर लिखना और लेटर रीड करना पर्सन के बीच में क्लोज रिलेशन है कि नहीं वो हम जान सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी यानी कि क्लोज। फॉर एग्जांपल फॉर द ऑफिशियल करेस्पोंडेंस विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द मोस्ट फॉर्मल सैल्यूटेशन सर मैडम इज यूज्ड। अगर ऑफिशियल करेस्पोंडेंस करते हैं तो गवर्नमेंट के साथ या इंस्टीट्यूट के साथ तो सर या मैडम वर्ड जो है वो यूज होता है। अगर जनरल करेस्पोंडेंस करते हैं तो डियर सर एंड डियर मैडम जो है वो यूज होता है। अगर किसी पर्सन के साथ स्पेशल रिलेशन है, बहुत ही अच्छी फ्रेंडली रिलेशन है तो उसके साथ माय डियर खान इज यूज्ड जो है वो यूज होता है। तो इस तरीके से सैल्यूटेशन से आप रिस्पेक्ट सामने वाले को दे सकते हो। उसके बाद दिया है द बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ लेटर में दिया है द बॉडी ऑफ लेटर विच इज अ थीम रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आप जो है अपनी थीम जो है वो इमीडिएटली लिख सकते हो। और बॉडी ऑफ द लेटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इन अ जनरल प्रोवाइड रेफरेंस टू द अर्लियर करेस्पोंडेंस टू इंट्रैक्शन। पास्ट में जो भी हमने करेस्पोंडेंस किया है उसके बारे में इंट्रैक्शन शो करता है। एट द टाइम प्रोवाइड द इंट्रोडक्शन टू द लेटर राइटर, लेटर लिखना को जनरल जो है इंट्रोडक्शन दिया जाता है। लेटर का ये लेटर की चेन के इस लेटर को एक चेन के साथ बांधने के लिए इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ जो है वो जरूरी है।
A properly begun letter does not work efficiently as a messenger. इस तरीके से प्रॉपर अगर बिगनिंग होती है तो लेटर जो है मैसेंजर की तरह जो है वो काम करता है. सेकंड वन इज अ मेन पैराग्राफ. द सेकंड पैराग्राफ इज अ एसेंस ऑफ द लेटर. सेकंड पैराग्राफ को हम मेन पैराग्राफ भी कह सकते हैं और ये हार्ट के समान है. जिस तरीके से बॉडी में हार्ट का होना जरूरी है उस तरीके से मेन पैराग्राफ का होना भी जरूरी है. Here the theme of the letter is a discuss a method methodologically and in a details. जिसमें थीम्स जो है वो डिस्कस की जाती है. क्या हम लिखना चाहते हैं ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस होता है. बाय प्रॉपर सिलेक्टिंग प्रॉपर सेंटेंस यूज करके वर्ड यूज करके जस्टिफाई द पर्पस और इस तरीके से लेटर जो है वो ड्राफ्ट होता है. If the sole purpose of drafting the letter is to convey the complete details information then it is presented in more than one paragraph or in some bullet or even the tabular form is arranged appropriately. अगर fully detail में discuss करना हो तो आप bulletin font भी use कर सकते हो. bullet में paragraph wise भी use कर सकते हो या तो फिर tabular form में भी आप जो है explanation कर सकते हो. मेन पैराग्राफ में ये जरूरी है कि लेटर रीड करना पर्सन का इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन हो. ऐसे उपाय जो है हमें करने चाहिए. लास्ट वन इज अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ. लास्ट पैराग्राफ में दिया है द लेटर रिटन हियर क्लियरली मेंशन व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम द रीडर एंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एंडिंग द लेटर. इस पैराग्राफ में ये शो होता है कि लेटर लिखना रीडना से रीड करना पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करता है वो यहाँ पर शो किया जाता है. और ये एक्सपेक्ट करने के बाद एंडिंग की तरफ जो है इसका डायरेक्शन मूव होता है. लेटर रीड करना प्रोस्पेक्टिव कस्टमर में से मींस के तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर में से उसे एक्चुअल कस्टमर बनाने की जो है वो कोशिश करता है. इस तरीके से ये मैटर खास नोट करनी चाहिए. इंग्लिश में जो तो करेस्पोंडेंस होते हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में नीचे जो भी वर्ड्स दिए गए हैं ये यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल थैंकिंग यू एक गलत वर्ड है. सही क्या है थैंक यू. अवेटिंग एन अर्लियर रिप्लाई फ्रॉम यू ये भी इनकरेक्ट जो है एक्सप्रेशन है. करेक्ट क्या है वी अवेट एन अर्लियर रिप्लाई फ्रॉम यू. तो ये कंप्लीट सेंटेंस जो है वो देना जरूरी और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है. सो फ्रेंड्स आज हमने कंप्लीट किया सैल्यूटेशन एंड बॉडी ऑफ द लेटर और उसके मेन थ्री सब पॉइंट. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू पॉइंट्स के साथ मिलेंगे. तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. जय महाराज.